जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का ये जी पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम 790,902 को मल्टीप्लाई कर देंगे 643 से। फिर इसका जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। पहले हम इन दोनों नंबर्स को वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से कि ये फर्स्ट नंबर ऊपर आ जाएगा और आगे वाला नंबर इसके नीचे आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस 3 को ऊपर वाले सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 0 से, 9 से, 0 से, 9 से, फिर 7 से। तो पहले 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6 आएगा, यहाँ 6 लिखेंगे इसके नीचे। अब 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 0 0। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27, 27 का 7 यहाँ आएगा और 2 इस 0 के ऊपर कैरी आ जाएगा। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 2 प्लस कर देंगे तो ये 2 ही आएगा यहाँ पे। अब इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 9 से, 3 9 27, 27 का 7 यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी आ जाएगा इस 7 के ऊपर। अब इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 सॉरी 7 से, 3 7 21, 21 में 2 प्लस कर देंगे तो 23 आ जाएगा, यहाँ 23 ही लिखेंगे यहाँ। अब 3 के बाद इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले सारे डिजिट्स को। तो पहले इस नंबर के नीचे एक क्रॉस लगाएंगे 6 के नीचे और ऊपर वाले ये कैरी भी कैंसिल कर देंगे। अब 4 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 4 2 8, 8 इस 0 के नीचे लिखेंगे। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा, 0 इसके नीचे आएगा 7 के नीचे। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 36 का 6 इसके नीचे आएगा 2 के नीचे और 3 कैरी आ जाएगा इसके ऊपर 0 के ऊपर। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 में प्लस 3 कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे 7 के नीचे। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 36 का 6 इस 3 के नीचे आएगा और 3 आ जाएगा इस 7 के ऊपर। अब ये 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 28 में 3 प्लस कर देंगे तो ये 31 आएगा, यहाँ भी 31 ही लिखेंगे हम। अब हम इस 6 को ऊपर वाले सारे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसके नीचे 2 क्रॉस आएंगे, एक इसके नीचे क्रॉस आ जाएगा और एक इस 8 के नीचे क्रॉस लिखेंगे और ये ऊपर वाले कैरी भी ख़त्म करेंगे यहाँ। अब ये 6 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12 का 2 इस 0 के नीचे लिखेंगे और 1 कैरी इसके ऊपर आ जाएगा इस 0 के ऊपर। अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 प्लस कर देंगे तो 1 आएगा, 1 इस 6 के नीचे लिखेंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 6 9 54, 54 का 4 इस 3 के नीचे आएगा और 5 इसके ऊपर कैरी आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में ये 5 प्लस कर देंगे तो ये 5 आएगा, 5 इस 6 के नीचे लिखेंगे। अब ये 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 9 से, 6 9 54, 54 का 4 इस 1 के नीचे लिखेंगे और 5 कैरी आ जाएगा इस 7 के ऊपर। अब ये 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 42 में 5 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 47 और 47 ही यहाँ लिखेंगे हम ऐसे। अब इनको हम प्लस कर देंगे। अब प्लस करेंगे तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले ये 6 ऐसे ही नीचे आएगा क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं प्लस हुआ होगा, नीचे क्रॉस है तो ये 6 लिखेंगे यहाँ। अब ये 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब 0 7 प्लस 0 प्लस 2 तो ये 9 आएगा, यहाँ 9 लिखेंगे। अब ये 2 प्लस 6 8 8 प्लस 1, ये भी 9 आ जाएगा। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 का 4 यहाँ आएगा और 1 कैरी आ जाएगा इस 3 के ऊपर। अब ये 3 में 1 प्लस कर देंगे, 4 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 का 5 यहाँ आएगा और 1 कैरी यहाँ आएगा। अब ये 1 2 में प्लस कर देंगे, 3 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, यहाँ 8 आ जाएगा। अब ये 3 प्लस 7 10 आएगा, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ आएगा। अब ये 1 4 में प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 5। अब इसी तरह ये आंसर होगा 508,549,986। अब ये वाला आंसर हम कहाँ लिखेंगे, इस ब्लैंक में लिख देंगे।